हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू समाज की मंच पर विराजमान परम पूज्य पेजावर विश्वेश्वर जी महाराज, परम पूज्य वीरेंद्र हेगड़े जी, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, परम पूज्य आदि चुनचुनगिरी पूजनीय निर्मलानाथ जी महाराज, पूजनीय श्री रुद्र स्वामी जी, पूजनीय मादार चेन्नैया स्वामी जी और यहाँ उपस्थित एक क्षेत्र की धर्म प्रेमी जनता है। आज विश्व हिंदू परिषद के 50 वर्ष निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पर मैं कहूंगा कि यह 50 वर्ष के उत्सव मनाने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं, हम एकत्रित हुए हैं आज 3 संकल्प और यह संकल्प पूरे करने की योजना समझने के लिए। यह 3 संकल्प समझाने के पहले मैं 5 मिनट के लिए इतिहास की ओर ले जाता हूं कि भारत एंशियंट प्राचीन भी है, अर्वाचीन भी है, यहां हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति है। तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में काम करने वाले लोग भी धरती पर है। एक समय था यह हिंदू समाज संपूर्ण पृथ्वी में फैला हुआ था। आज किसी को प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया की संपत्ति ऐश्वर्य, दुनिया का व्यापार, शिक्षा, राज की सत्ता किनके पास, उनका एक ही उत्तर है कि अमेरिका के पास है। 1000 वर्षों के पहले दुनिया में यही प्रश्न पूछा जाता था कि दुनिया का धन, वैभव, ऐश्वर्य, शिक्षा, व्यापार, राज की सत्ता किसके पास। तो एक ही उत्तर था हिंदू, मेरे भाइयों 2000 वर्ष पहले अत्र तत्र तो सर्वत्र हिंदू था। दुनिया की संपत्ति ऐश्वर्य, दुनिया का व्यापार, दुनिया की शिक्षा, दुनिया की राज की सत्ता हमारे पास थी। 1500-2000 वर्षों में दुनिया में हिंदू नहीं रहा, सिमट कर हिंदू बिंदु बनकर भारत के आधे हिस्से में सीमित हो गया। आजादी के समय देश में 86% हिंदू था, आज बचा है 80 में भी 1%। अभी चिंता हो रही है कि 80% घटकर 40% तो नहीं हो जाएगा। दुनिया की संपत्ति, दुनिया का ऐश्वर्य हमारे पास था। यह देश में करोड़ों लोग भूखे सो जाते हैं, लाखों माँ बाप के पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो महीने में 1000 कमाते हैं, डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं। देश में 5 करोड़ हिंदू युवा बेरोजगार है। ये देश में 10 वर्षों में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। दुनिया की समृद्धि, दुनिया का ऐश्वर्य जहां था, ये हिंदुओं के पास नहीं टिका। आज पुनः हिंदू को आगे ले जाने के लिए समृद्धि में भी हम आगे, शिक्षा में आगे, व्यापार में आगे, राजकीय सत्ता में आगे, दुनिया में हिंदू आगे था, पुनः हिंदू आगे जाएगा। पर सिर्फ हिंदू आर्थिक समृद्धि विकास प्राप्त करे ये पर्याप्त नहीं है। समृद्धि तो हमारे पास थी, क्यों नहीं टिकी, हम हमारी रक्षा नहीं कर पाए। यदि हिंदुओं की रक्षा की चिंता नहीं होती है तो समृद्धि फिर से छीनी जाएगी। क्या कश्मीर घाटी में हिंदुओं के घरों में समृद्धि नहीं थी, आज वह कौन भोग रहा है। इसलिए हमें चाहिए समृद्धि, पर इसके पहले हमें चाहिए सुरक्षा। युगों युगों तक हम सुरक्षित थे, हमारा घर, हमारी संपत्ति, हमारी बहन बेटी, हमारा धर्म सुरक्षित था। 2000 वर्षों में नहीं रहा, आज नहीं रहा। आज दुनिया में हिंदू सुरक्षित नहीं है, भारत में नहीं है, न कश्मीर घाटी में है, न बंगाल में है, न हिंदुओं के पास समृद्धि बची, न सम्मान बचा। इसलिए आज हम 3 संकल्प करवाने के लिए, हमारा पहला संकल्प, हमें चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा 100 करोड़ हिंदुओं के घरों को, हमारी संपत्ति को, व्यापार को, खेत को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे धर्म को, हमारे देश को। हमें चाहिए पुनः समृद्धि, अब हिंदू ही आगे, समृद्धि में हिंदू ही आगे, व्यापार में हिंदू ही आगे, आरोग्य में हिंदू ही आगे,
हमें चाहिए सम्मान। मेरे भाइयों, इसलिए यह सभा 100 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान आज और 1000 वर्षों के बाद भी भारत में हमें प्राप्त हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं को संकल्प पद बनाने का हमारा अभियान है। मैं प्रारंभ करूंगा, सुरक्षा कैसे प्राप्त होगी? सुरक्षा 5 करने के 6 बिंदु है। सुरक्षा की पूर्व शर्त है, अब हिंदू घटेगा नहीं, हिंदू बढ़ेगा। भारत में अब हिंदू घटने नहीं देंगे। सुरक्षा की दूसरी शर्त है, हिंदुओं की सुरक्षा और समृद्धि के लिए देश की शासन व्यवस्था हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। और शासन व्यवस्था कहता हूं, तब हिंदुओं की सुरक्षा समृद्धि देने वाला संविधानिक हिंदू राष्ट्र की भारत में पुनः प्रतिष्ठा करनी होगी। यह प्राप्त करने के लिए तीसरा रास्ता है, हर हिंदू आचरण से हिंदू बने। चौथा रास्ता है, हर हिंदू जागरूक हिंदू बने। पांचवा रास्ता है, हर हिंदू सक्रिय हिंदू बने। और छठा रास्ता है, सैकड़ों जातियों में हम जन्मे हैं पर हमारे पुरखे एक हैं, इसलिए अनेक जातियों में जन्मे हिंदू हम सब एक, छुआछूत खत्म करके यह देश में हिंदू एकता खड़ी करेंगे। यह देश में हिंदुओं की सुरक्षा के 6 रास्ते हैं। हिंदू घटेगा नहीं, हिंदू बढ़ेगा, उनके 6 रास्ते हैं। धर्मांतर को ना, घर वापसी को हाथ, लव जिहाद को ना, समान नागरिक कानून को हाथ, बांग्लादेशी मुसलमानों को ना, हिंदुओं के घर में बच्चों को हाथ। और कोई हमें टॉलरेंस न सिखाए। जब यह सृष्टि का जन्म हुआ तब से हम टॉलरेंस है। यदि हम टॉलरेंट नहीं होते तो यहां दुनिया के लोग आकर बसे नहीं होते। टॉलरेंस के शत्रु वही है जो धर्मांतर करते हैं। दुनिया में हिंदू ने धर्मांतर नहीं किया है, हिंदू का धर्मांतर हुआ है। अब हिंदू का धर्मांतर नहीं होगा, घर वापसी करके रहेंगे। एक भी हिंदू बहन बेटी का लव जिहाद से नाम हम लेने नहीं देंगे। देश में समान नागरिक कानून बनवाएंगे। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत से बाहर हटाकर हिंदुओं के घरों में बच्चों का आनंद देखकर अब हिंदू घटने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, पाकिस्तान में इतने प्रधानमंत्री आए, किसी ने मुसलमानों के विरुद्ध काम नहीं किया। क्यों? मुस्लिम राष्ट्र है। यहां तो देश का जो राजनेता आता है, कोई नेता सिर्फ मुसलमानों की बेटियों को 30,000 देता है। हिंदू की बेटियों ने क्या गुनाह किया? कोई देश का मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री मुल्ला मौलवियों को 2,500 रुपया देता है, गरीब किसानों को क्यों नहीं? मेरे भाइयों, यह देश में हिंदुओं की चिंता करने वाला कोई नहीं है। और यही शासन व्यवस्था चलती रही तो हिंदू बिंदु बनकर समाप्त हो जाएगा। इसलिए हिंदुओं की सुरक्षा समृद्धि के लिए हमें चाहिए संविधान की हिंदू राष्ट्र। यह करने के लिए 100 करोड़ आचरण से हिंदू बने। आचरण से हिंदू बनकर हम अपनी परंपरा की प्रति दृढ़ता बताए। आचरण के हिंदू के 12 बिंदु है। सुबह उठकर धरती माता को नमस्कार, कुल देवी को नमस्कार, माता पिता के चरण स्पर्श, तुलसी को पानी, चिड़िया को धारा पानी, हर रोज भगवान की पूजा और हर रोज भगवान के सामने 1 से 10 रुपया, भोजन बनाने के पहले भूखे हिंदुओं के लिए एक मुट्ठी अनाज, भोजन करते समय पहली रोटी गाय को हर रोज 1 बार मंदिर में दर्शन, सूर्यास्त के समय भगवान का दिया। देश में छुआछूत हम समाप्त करेंगे। इसलिए मैं एक अनुसूचित जाति जनजाति परिवार को मेरा मित्र बनाकर छुआछूत को समाप्त करूंगा और हिंदुओं की सुरक्षा समृद्धि के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर सुबह उठकर मैं 1 वाक्य का नारा बोलूंगा, हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र की। बोलो मेरे भाइयों, अब आप चरण से हिंदू बनकर हिंदू सुरक्षा समृद्धि के अभियान में जुड़ोगे। मैं आचरण से हिंदू बनूंगा, ऐसे में जागरूक हिंदू बनूंगा। जागरूक हिंदू का अर्थ है
मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, कहीं भूखा हिंदू, दुखी हिंदू, बेरोजगार हिंदू, बिना शिक्षा हिंदू, बिना दवाई हिंदू, वह हिंदू की मदद करके मैं जागरूक हिंदू बनकर हिंदुओं की समृद्धि में सहयोग करूंगा। मैं सक्रिय हिंदू बनूंगा। मैं संकल्प करता हूं कि दुनिया में कहीं हिंदू का अपमान होगा, जटायु की भांति में अकेला भी विरोध करूंगा। मैं कैसे विरोध करूंगा? विरोध के भी 6 बिंदु हैं। मैं कम से कम 10 लोगों से चर्चा करके विरोध तो करूं, मैं एक पोस्टकार्ड तो लिखूं, मैं ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक पर विरोध करूं। अरे मैं धरने, प्रदर्शन, रैली में जुड़ सकता हूं। मेरे भाइयों, में हिंदू हूं और दुनिया में हिंदू का अपमान होता है। 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज एक हिंदू के लिए बुलंद हो जाएगी, यह धरती पर हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। मेरे भाइयों, यदि हमने यह किया तो यह देश में हिंदू असुरक्षित नहीं होगा। पर मैंने कहा, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए समृद्धि। समृद्धि प्राप्त करने के भी 6 रास्ते हैं। पहला, कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। दूसरा, कोई हमारा बेटा बेटी बिना शिक्षा नहीं रहेगा। तीसरा, कोई परिवार बिना डॉक्टर नहीं रहेगा। चौथा, कोई युवा बिना रोजगार नहीं रहेगा। पांचवा, कभी दुनिया का व्यापार हम करते थे, विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा 35% था, आज 1% बचा है। इसलिए पांचवा, दुनिया का पुनः व्यापार हम करेंगे, हम दुनिया में इंडियन मंट्री स्टॉल खड़ी करेंगे। और छठा, हमारी कृषि दुनिया में श्रेष्ठ थी, आज दुनिया में हमारी कृषि समाप्त हो गई है, पुनः खड़ी करेंगे। मेरे भाइयों, कर क्या रहे हैं? आज विश्व हिंदू परिषद 53,000 गांव में 20 लाख लोगों को शिक्षा दे रही है। आज हम डॉक्टर से 1% फ्री की मांग करके 5,000 डॉक्टरों को जोड़ा है। हमारा संकल्प है हिंदू परिवार हेल्थी परिवार। इसलिए 40 करोड़ लोग जिनके पास डॉक्टर को देने का पैसा नहीं, आओ मेरे भाइयों, हमारा आह्वान है कि देश के 50,000 डॉक्टर प्रतिदिन 1 पेशेंट फ्री देकर ये देश के करोड़ों लोगों को आरोग्य देंगे, करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए मेरी योजना है कि व्यापारी एक हिंदू युवा को रोजगार दे, व्यापार सिखाए, करोड़ों बच्चों को शिक्षा देने की 2 योजना। प्रतिदिन भगवान के सामने 1 रुपया क्या करेंगे? ये रुपया गरीब बंधु के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए देंगे। ये देश के व्यापारी और अच्छे कमाने वालों को अपील है, कम से कम 1 गरीब बच्चों की 1 महीने की फी दो। मेरे भाइयों, भारत में कोई बच्चा भूखा बिना शिक्षा नहीं रहेगा। मेरी मांग है, 1 मुट्ठी अनाज, देश के 20 करोड़ में से 10 करोड़ हिंदू परिवारों ने 1 मुट्ठी अनाज निकाला। महीने में 10 करोड़ हिंदू अनाज निकालेंगे, 10 करोड़ किलो, 1 भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, हमारा संकल्प है, अब तो हिंदू ही आगे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, दुनिया के बड़े डॉक्टर हिंदू, दुनिया के बड़े साइंटिस्ट हिंदू, दुनिया के बड़े व्यापारी हिंदू, पुनः दुनिया की समृद्धि प्रमाणिकता से कमा कर लाएंगे, यह समृद्धि पुनः छीन न जाए, ऐसे 100 करोड़ हिंदुओं के घरों की सुरक्षा देने का हमारा अभियान है। आओ मेरे भाइयों, यह विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती वर्ष में खोया हुआ हिंदुओं का गुना गौरव, खोया हुई हिंदुओं की सुरक्षा, खोई हुई हिंदुओं की समृद्धि प्राप्त करके हिंदू ही आगे, यह हम करके दिखाए। और यह होता है तो युगो युगो से हिंदुओं का वैभवता उन पुनः प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि मैंने हिंदू को आगे ले जाने के लिए, सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान के लिए आपको आचरण से जागरूक, सक्रिय हिंदू बनाने की बात कही। देश में छुआछूत समाप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के हिंदू को मित्र बनाया। आप करोगे, 100-100 लोगों को समझाओगे, आप करोगे, मुझे जरूर विश्वास है। एक साथ मेरे साथ नारा बोलो, मैं कहूंगा हम एक हैं, आप बोलेंगे एक रहेंगे, बोलो हम एक हैं। मैं कहूंगा हम आचरण से हिंदू हैं, आप बोलेंगे हम सक्रिय हिंदू हैं, बोलो हम आचरण से हिंदू हैं। मैं कहूंगा धर्मांतर, आप बोलेंगे नहीं होने देंगे धर्मांतर। मैं कहूंगा गाय भूखी नहीं रहने देंगे, आप बोलेंगे गाय कटने नहीं देंगे, गाय भूखी रहने नहीं देंगे। मैं कहूंगा भारत हिंदू राष्ट्र है, आप बोलेंगे यही हमारा नारा है, बोलो भारत।
राष्ट्र में 100 करोड़ हिंदुओं को समृद्धि सम्मान सुरक्षा देने की हिंदुओं की आवाज कोई दबा नहीं सकता है, और किसी की आवाज दबाई तो हिंदू ललका कर खड़ा हो जाएगा कि हम सुरक्षा समृद्धि सम्मान लेकर रहेंगे, विश्व हिंदू परिषद यह 100 करोड़ हिंदू को देकर रहेगी। बोलो जय श्री राम, बोलो हर